अभी हाल ही में एक इवेंट हुआ था खेसारी लाल यादव के एक नए गाने को लेकर, जहां पे खेसारी टीम के सभी लोग आए थे, अखिलेश कश्यप, कृष्णा बेदर्दी, पवन पांडे, विवेक सिंह, मतलब जितने भी लोग खेसारी लाल यादव की टीम में रहते हैं सारे लोग वहां पे आए थे। वहां कई सारे गानों को लेकर जिक्र हुआ, लेकिन नथुनिया 2 और डोली में गोली मार दे 3 को लेकर ज्यादा बात हुआ और हम भी आज उसी पे बात करने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं खेसारी लाल यादव ने इन दोनों गानों को लेकर क्या कहा। सबसे पहले बात करते हैं नथुनिया 2 गाने के बारे में। इसका पहला पार्ट 1 साल पहले ही सारेगामा हम भोजपुरी पे रिलीज हो चुका है और ये बात आप सभी को पता है क्योंकि ये गाना बहुत ज्यादा सुपर डुपर हिट हुआ है। इसके सेकेंड पार्ट को लेकर जब राइटर कृष्णा बेदर्दी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सब कुछ तैयार है, बस वेट किया जा रहा है खेसारी लाल यादव के परमिशन का। जैसे ही खेसारी लाल यादव परमिशन देते हैं वैसे ही आप सभी को नथुनिया 2 गाने का पोस्टर देखने को मिल जाएगा। लेकिन अब जहां तक मुझे लगता है इस गाने को अगले साल रिलीज किया जाएगा क्योंकि अब लेट हो चुका है। अगर आने वाला होता तो 1 महीने पहले या से रिलीज हो चुका होता क्योंकि 1 महीने पहले शादी का माहौल चल रहा था और ये गाना अच्छा खासा बच जाता, लेकिन अब बहुत कम चांस है कि इस गाने को इस साल रिलीज किया जाए। दूसरा डोली में गोली मार दे 3, इसका 2 पार्ट ऑलरेडी रिलीज हो चुका है और दोनों सुपर डुपर हिट रहे हैं, इसलिए इस गाने को लेके खेसारी लाल यादव के फैन कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हैं। और बिल्कुल ये गाना आने वाला है बहुत जल्द क्योंकि इस गाने के राइटर पवन पांडे ने बताया है कि 1 महीने के अंदर आप सभी को इस गाने का पूरा इन्फॉर्मेशन बता दिया जाएगा और ये भी बता दिया जाएगा कि ये गाना कब तक आप सभी को देखने को मिलेगा। दोनों गानों को रोक के रखा गया है, बहुत जल्द धमाका होने वाला है। इसके अलावा खेसारी लाल यादव का गाना बैक टू बैक देखने को मिल रहा है, नए नए गानों का शूटिंग किया जा रहा है और उन सभी गानों का अपडेट आप सभी को इस चैनल से देखने को मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भोजपुरी।